गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, नाउ टुडे वी आर गोइंग इन क्वेश्चन नंबर 5। सो इन अ क्वेश्चन नंबर 5, अ टैक्सी ड्राइवर फिल्ड हिज कार पेट्रोल टैंक विथ 40 लीटर्स ऑफ पेट्रोल ऑन मंडे। अ टैक्सी ड्राइवर फिल्ड हिज कार पेट्रोल टैंक विथ 40 लीटर्स ऑफ पेट्रोल ऑन मंडे। तो मंडे अपनी कार में 40 लीटर पेट्रोल टैक्सी ड्राइवर फिलअप करवाता है। एंड नेक्स्ट डे द नेक्स्ट डे ही फिल्ड द टैंक विथ 50 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। दूसरे दिन वो 50 लीटर पेट्रोल फिलअप कराता है। इफ द पेट्रोल कॉस्ट ₹44 पर लीटर, अगर पेट्रोल की कॉस्ट ₹44 पर लीटर है, सो हाउ मच डिड ही स्पेंड इन ऑल ऑन पेट्रोल। तो पेट्रोल पे उसका खर्चा टोटल कितना होगा, सो वी आर फाइंडिंग फ्रॉम दिस। सो फर्स्ट वन वी कैन राइट पेट्रोल फिल्ड ऑन मंडे। तो मंडे कितना फिल हुआ वो लिखेंगे, पेट्रोल फिल्ड ऑन मंडे 40 लीटर्स। तो ऐसे स्टेप आपको कंपलसरी लिखने हैं, डायरेक्ट सीधा मल्टीप्लाई करके लिखना है, ऐसा नहीं लिखना है आपको 40 प्लस 50, इसको मल्टीप्लाई 44 करके, जो एकदम छोटे बच्चों जैसा लिखना लिखना होता है ऐसा आपको नहीं लिखना है। सो पेट्रोल फिल्ड ऑन मंडे इज इक्वल टू 40 लीटर एज इट इज, पेट्रोल फिल्ड ऑन नेक्स्ट डे एज इट इज, मंडे के जैसे क्या है नेक्स्ट डे। सो यू कैन राइट हियर पेट्रोल फिल्ड ऑन नेक्स्ट डे इज इक्वल टू 50 लीटर। तो नेक्स्ट डे कितना पेट्रोल फिल करता है, 50 लीटर। नाउ टोटल पेट्रोल फिल्ड, नाउ टोटल पेट्रोल कितना फिल हुआ, सो 40 प्लस 50 इज इक्वल टू 90 लीटर्स। सो टोटल पेट्रोल फिल्ड 90 लीटर्स। नाउ 1 लीटर की कॉस्ट 44 है, तो 90 की कितनी ऐसे लिखेंगे, सो वी आर गोइंग टू नाउ कॉस्ट ऑफ 1 लीटर पेट्रोल इज इक्वल टू 44 रुपीज। तो कहाँ से मैंने लिया, द पेट्रोल कॉस्ट ₹44 पर लीटर, सो कॉस्ट ऑफ 1 लीटर पेट्रोल इज इक्वल टू 44 रुपीज। देयरफॉर यू कैन राइट हियर 1 की जगह कितने लिखेंगे 90, सो कॉस्ट ऑफ 90 लीटर पेट्रोल इज इक्वल टू 44 एज इट इज लिखेंगे। और जो आगे के नंबर होते हैं उसको उल्टा देते हैं, हम 90 ऊपर लिखते हैं डिवाइड बाय 1, तो 44 मल्टीप्लाई 90 डिवाइड बाय 1, सो 0 एज इट इज 0। 9 के टेबल में जाएंगे, 9 4 36 कैरी 3, 9 4 36 प्लस 3 39, सो 0 का 0 लिखा हमने, 9 4 36 कैरी 3, 9 4 36 प्लस 3 39, सो आवर आंसर इज 3960 रुपीज। देयरफॉर वी कैन से दैट देयरफॉर अ टैक्सी ड्राइवर स्पेंट रुपीज 3960 ऑन पेट्रोल। तो क्या हम लिख सकते हैं, अ टैक्सी ड्राइवर स्पेंट रुपीज 3960 ऑन पेट्रोल। एज इट इज वी आर गोइंग नेक्स्ट एग्जांपल, अ वेंडर सप्लाइज 32 लीटर्स ऑफ मिल्क टू होटल इन द मॉर्निंग। अ वेंडर सप्लाइज 32 लीटर्स ऑफ मिल्क इन द होटल इन द मॉर्निंग। तो सुबह में एक वेंडर जो होता है 32 लीटर, वेंडर मतलब व्यापारी 32 लीटर मिल्क होटल में पहुंचाता है, एंड 68 लीटर्स ऑफ मिल्क इन द इवनिंग। तो मॉर्निंग में 32 लीटर मॉर्निंग में एंड 68 लीटर इन द इवनिंग में। तो ऐसे ये सुबह में 32 लीटर और शाम को 68 लीटर मिल्क पहुंचाता है। तो हम लिखेंगे सप्लाई ऑफ मिल्क इन मॉर्निंग इज इक्वल टू 32 लीटर एज इट इज
supply of milk in evening is equal to 68 liters लिख सकते हैं हम. हमको क्वेश्चन में दिया है 32 लीटर इन द मॉर्निंग. सो सप्लाई ऑफ मिल्क इन मॉर्निंग 32 लीटर एंड सप्लाई ऑफ मिल्क इन इवनिंग 68 लीटर. तो सप्लाई ऑफ मिल्क मॉर्निंग 32, मिल्क इन इवनिंग 68 ले लिया. नाउ टोटल लेंगे. देयरफॉर टोटल सप्लाई इज इक्वल 32 प्लस 68 इज इक्वल 2 प्लस 8 10 कैरी 1 प्लस 6 7 प्लस 3 10. सो टोटल सप्लाई क्या होगा 100 लीटर्स. सो कॉस्ट ऑफ 1 लीटर क्या है? कॉस्ट रुपीज 15 पर लीटर. तो 1 लीटर के 15, तो 100 लीटर के 15 मल्टीप्लाई 100 होगा. सो यू कैन राइट हियर नाउ कॉस्ट ऑफ 1 लीटर मिल्क इज इक्वल टू 15 रुपीज. देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 100 लीटर हमारे पास कितना है 100. सो 100 लीटर मिल्क इज इक्वल टू 15 एज इट इज और मल्टीप्लाई 100 ऊपर आ जाएगा. 15 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 1. सो 15 और 100 से जब भी मल्टीप्लाई हो तो दो जीरो ऐड हो जाएगा, वो आपको याद रखना है. सो 15 मल्टीप्लाई 100 1500 मतलब 1500 रुपीज. सो वी कैन राइट दैट देयरफॉर रुपीज 1500 इज ड्यू टू द वेंडर पर डे. तो वेंडर का पर डे का कितना ड्यू रहता है, अमाउंट कितना उसका बनता है 1500 रुपीज. सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस. ये दो एग्जांपल आपको लिख के नोटबुक में अच्छे से इसको भी तैयार करना है. टेस्ट में ऐसे बड़े एग्जांपल में आपको पूछने वाला नहीं हूँ. सो डोंट वरी, पर आपको तैयार तो ये करने हैं. ओके थैंक यू.